हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि यह मैथ का वीडियो बनाया जा रहा है जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो कि अध्याय 2 है। तो स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि आज हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 8वें से बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बताने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 8वें से। ठीक है, देखिए इसमें दिया है tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x, इसी को हमें हल करना है। तो चलिए हल करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि cos x से ऊपर नीचे दोनों में भाग दे देंगे, अंश और हर में cos x से भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए भाग देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स वैसे उतार लिए, और यहाँ पर हो जाएगा cos x के बटे cos x माइनस sin x बटे cos x बटे cos x के बटे cos x प्लस sin x के बटे cos x। ये क्योंकि ये पता है ना, यही देखिए cos x से ऊपर नीचे हम भाग दे दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, cos बटे cos है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, यानी cos x से cos x कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो हमारा बचेगा क्या, tan इनवर्स। अब देखिए ये तो कट गया, कितना बचा, 1 माइनस sin x बटे cos x है, sin x बटे cos x बराबर होता है tan x, तो हम tan x लिख दे रहे हैं, बटे यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस tan x। ठीक है, अब देखिए हम आपको बता दें कि 1, ये जो 1 दिया है, 1 का मान कितना हम कर सकते हैं, tan 45 अंश, इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan 45 अंश। ठीक है, tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसको और अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा tan pi by 4, tan 45 को tan pi by 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हम मान रखने वाले हैं। अब चलिए मान रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 था, 1 के स्थान पर क्या रखना था हमें, tan pi by 4 माइनस tan x बटे 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर tan pi by 4 इंटू tan x, 1 यहाँ पर भी कर सकते हैं क्योंकि 1 का गुणा किसी में करो तो वो उतना ही मान आता है, यानी tan x में अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो tan x ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर tan pi by 4 इंटू tan x कर सकते हैं। ठीक, तो हम आपको बता दें कि एक सूत्र होता है tan a माइनस b का, तो tan a माइनस b बराबर होता है tan a माइनस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, तो इसी सूत्र पर हम इसको रखने जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स tan pi by 4 माइनस x, देखिए यहाँ पर tan pi by 4 है माइनस x, pi by 4 को हम a मान रहे हैं और x को b, तो tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, सूत्र बन रहा है कि नहीं, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, बन रहा है कि नहीं सूत्र, तो इसी पर हम रख दे रहे हैं। तो यानी a माइनस b यानी pi by 4 माइनस x कर देंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan pi by 4 माइनस x। ठीक, तो tan से tan क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, pi by 4 माइनस x, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल हमारा है tan इनवर्स x बटे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक, इसी को हमें हल करना है, तो चलिए हल करते हैं इसको। तो पहले मान लेंगे कुछ, जहाँ x है वहाँ पर कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए x स्क्वायर बराबर a साइन थीटा। ठीक, जहाँ x है वहाँ पर क्या मानना है हमें, a साइन थीटा। ठीक है, चलिए मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x बराबर a साइन थीटा, तो यहाँ से हम ये जो है a इसके बटे आ जाएगा, यानी x बटे a साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, x बटे a, और साइन को भी जब इधर भेजेंगे तो इनवर्स में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा का मान साइन इनवर्स x अपान a। ठीक, इतना कर सकते हैं, चलिए मान रखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मान रखा जा रहा है tan इनवर्स वैसे लिखा गया, जहाँ x था वहाँ पर कितना रख रहे हैं, a sin थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a sin थीटा बटे
अंडर रूट ए स्क्वायर लिख दिए माइनस एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर की जगह कितना रखा जा रहा है ए साइन थीटा के स्क्वायर कर देंगे हम, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी क्या है ए स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे करड़े में ए स्क्वायर कॉमन कर लिए, बचा क्या कोष्ट में, यहाँ पर बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर तो कॉमन हो चुका है। ठीक है, अब देखिए आगे, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा गया था। तो जब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा तो अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर इन दोनों का क्या होगा हट जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कर्ड़ी हटा दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर ए यहाँ ऊपर भी ए नीचे भी, यानी ए से ए क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टैन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा टैन इनवर्स टैन थीटा। ठीक, अब देखिए टैन टैन से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या केवल थीटा, और थीटा का मान कितना माना गया है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारा दसवां सवाल है, टैन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर भी हम मानकर ही काम चलाएंगे, तो चलिए हल करते हैं इसको। तो हम मान लेंगे क्या, मान लीजिए कि एक्स बराबर ए टैन थीटा, जहाँ एक्स है वहाँ पर हमें मानना क्या है ए टैन थीटा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स अपान ए, अभी बताया था पीछे। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं, मान रखते हैं अब। तो यहाँ पर क्या हो टैन इनवर्स, टैन इनवर्स वैसे, और फिर जहाँ देखिए यहाँ पर थ्री है तो थ्री ए स्क्वायर गुड़े एक्स था ना, तो एक्स की जगह कितना रखना है हमें ए टैन थीटा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ए टैन थीटा माइनस ए क्यूब। ए क्यूब क्यों किया गया पता है, एक्स का क्यूब है तो यानी इन दोनों का भी क्यूब होगा, तो ए क्यूब टैन क्यूब थीटा बटे ए क्यूब यहाँ पर दिया गया है माइनस थ्री, थ्री लिखा फिर ए गुड़े एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर पर कितना लिखना है हमें ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, क्यों क्योंकि यहाँ पर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं इसको। अब देखिए जब हम इसका गुड़ा करेंगे तो ए एक यहाँ पर दो ए हैं, एक यहाँ पर, दोनों का गुड़ा होगा कितना हो जाएगा ए क्यूब, और यहाँ पर भी ए क्यूब है, तो यानी दोनों में जब ए क्यूब है तो ए क्यूब हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब, कोष्ट में बचा क्या थ्री टैन थीटा, तो थ्री टैन थीटा लिख दिए माइनस ए क्यूब ए भी गायब हो गया है, तो बचा क्या है टैन क्यूब थीटा, तो यहाँ पर भी लिख देंगे क्या टैन क्यूब थीटा बटे। अब देखिए वैसे यहाँ पर भी है ए क्यूब और ए स्क्वायर ए क्यूब, तो ए क्यूब ए भी हो गया, यानी ए क्यूब यहाँ से भी कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर भी कॉमन हो गया, तो यहाँ ए क्यूब अकेले ही था, तो जब ए क्यूब गायब हो गया तो बचा कौन एक, तो एक माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए क्यूब ऊपर भी ए क्यूब नीचे भी, दोनों क्या करेंगे काट देंगे, तो बचा कौन टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो हम आपको बता दें कि 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा एक tan 3a का सूत्र है, tan 3 थीटा का सूत्र होता है ये, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे tan 3 थीटा, तो हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। ठीक है, अब देखिए tan tan से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कौन 3 थीटा, और थीटा के स्थान पर कितना रखना है हमें tan इनवर्स x अपान a, तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स एक्स अपान ए, यही हमारा आंसर इसका। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
अब देखिए हमारा 11वां सवाल है, टैन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। अब देखिए जहाँ 1/2 है, 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है, यानी साइन 30 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 6, ठीक है। चलिए आगे हल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। पता चल गया ना ये क्यों लिखा गया है, 1/2 के स्थान पर लिखा गया है पाई बाई 6। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन, टेन इनवर्स 2 कॉस 2 गुड़े, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 5/6 बचा। अब देखिए 2 × 1 = 2 × 6, यहाँ पर बचा क्या, टेन इनवर्स 2 कॉस 5/3, ठीक। और आपको पता होना चाहिए कि 5/3 का मान होता है 1/2, कैसे, यहाँ पर कॉस 5/3 है ना, कॉस 5/3 मतलब कॉस 60 अंश, तो कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर यानी हम इसके स्थान पर 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 1/2, तो लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स 2 गुड़े 1/2, तो देखिए यहाँ पर 2 और बटे में 2 है, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, कौन बचेगा केवल टेन इनवर्स 1, यहाँ पर 1 बचा ना, और टेन किसका मान 1 होता है, तो हम आपको बताते हैं कि टेन 45 अंश का मान 1 होता है, तो टेन 45 अंश को हम क्या लिखते हैं, टेन पाई बाई 4, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4। अब देखिए यहाँ पर टेन टेन से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या पाई बाई 4, यही हमारा आंसर है इसका, ठीक है। चलिए चलते हैं 12वें सवाल की तरफ। अब देखिए प्रश्न नंबर हमारा 12 है, cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए हम आपको बता दें कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान होता है पाई बाई 2, यानी इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2, तो हो जाएगा cot पाई बाई 2, ठीक। और cot पाई बाई 2 मतलब क्या लिख सकते हैं, cot 90 अंश, क्योंकि 180/2 करेंगे तो 90 अंश आ जाएगा, cot 90 अंश का मान कितना होता है 0, तो आंसर हमारा कितना है 0 है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ चुका होगा, तो चलिए अगले वीडियो में आपको पूरा चैप्टर क्लियर करा देंगे, ठीक है।